Should not be affecting our decision making. There are different phenomena which we have to understand in terms of our status quo trap. And those phenomena can be, for example, the different elaborations are given. And let us discuss them in detail. The status quo trap can be first of all identified as that we all have biases which can affect our decision. तो सबसे पहले तो इस चीज के बारे में हमें कॉन्शियस वो रहने की जरूरत है द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मोस्ट पीपल डोंट लाइक टू चेंज एंड पर्टिकुलरली उस चेंज प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द प्रोसेस ऑफ चेंज बिकॉज़ इफ सपोजिटली पीपल डू लाइक द चेंज बट दे वुड रेजिस्ट टू द प्रोसेस ऑफ चेंज सो हमें अपने स्टेटस को के अंदर उस चेंज को अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सी तब्दीली रिक्वायर्ड है और उस तब्दीली के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनमिना ये है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी बिकॉज जब तक उस तब्दीली के अंदर लोगों को अपना कोई आउटकम नजर नहीं आएगा उस वक्त तक वो उस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते वो उस स्टेटस को को छोड़ना नहीं चाहते अनदर इंपॉर्टेंट फिनमिना इज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड रिग्रेट

ट वट कैन यू डू अबाउट इट आप उसके हवाले से हमारे पास कुछ एस्पेक्ट हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है द फर्स्ट थिंग इज दिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर ऑब्जेक्टिव एंड एग्जामिन हाउ दे वुड बी सर्व्ड बाई द स्टेटस को सो आपके टारगेट क्या है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपको कौन से फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल आउटकम्स वो रिक्वायर्ड हैं So, उस चीज को एवेलुएट करने से आप अपने स्टेटस को को छोड़ने को तैयार वो हो सकते हो द सेकेंड एस्पेक्ट द स्टेटस को एज योर ओनली अल्टरनेटिव और बहुत से हमारे पास तरीके हो सकते हैं ऑप्टिमम रिजल्ट हासिल करने के तो सिर्फ क्रिटिसिज्म या रिग्रेट ये चीजें आपके लिए सबब नहीं होनी चाहिए कि आप चेंज को एडॉप्ट नहीं कर रहे हो

स्टेटस को के प्रोजेंट कॉन्स क्या हैं तब्दीली के प्रोजेंट कॉन्स क्या हैं और इन दोनों चीजों को आप बैलेंस वो कैसे कर सकते हो द द फोर्थ एस्पेक्ट इज एफर्ट और कॉस्ट इन इन स्विचिंग फ्रॉम द स्टेटस को तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वट आर द एसोसिएटेड एस्पेक्ट विद द स्टेटस को एंड द चेंज और इन दोनों के दरमियान अगर हम एक ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं तो उस ट्रेड ऑफ के अंदर हमें क्या चीज लूज करनी पड़ेगी और क्या चीज गेन हो रही है

आपको यह सोचना है कि अगर आज हम उस तब्दीली को इनकॉर्पोरेट कर लें तो हम कल के उस रिग्रेट से अपने आप को बचा सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज इज दैट फोर्स टू टू चूज यू हैव चेंज चेंज बिकॉज एंड नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी और अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो आप स्टेग्नेंट हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे और स्टेग्नेट स्टेबल हो जाने से आप जमाने में आने वाली तब्दीली के साथ अपने आप को डेवलप वो नहीं कर सकेंगे जब आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकेंगे तो यू वुड बी लूजिंग द ग्राउंड्स सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू चूज फोर्स योरसेल्फ टू डेवलप फोर्स योरसेल्फ टू चेंज तब्दीली के बहुत से पहलू हो सकते हैं सो so, उन तमाम पहलुओं को अंडरस्टैंड करना वो हमारे लिए जरूरी होगा यह जानना कि कहां पर किस तब्दीली की हमें जरूरत है उसके साथ एसोसिएटेड हमारे रिटर्न्स वो क्या हैं बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि ह्यूरिस्टिक्स आर देयर टू प्लूट योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हम डिफरेंट ट्रैप्स के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं और उन ट्रैप्स में आने की वजह से हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वो कंप्रोमाइज हो सकती है देयर फोर वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर बायसेस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रोजोडेस एटीट्यूड्स वी शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश अर मेरिट तभी डिसीजन मेकिंग सही तरीके से हम कर पाएंगे थैंक यू